अब हम आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण जिनको अति आवश्यक कार्य की वजह से शीघ्र जाना भी है, तो हम सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें और राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर शंभू सिंह मनहर की जो राष्ट्रीय और हृदय को आनंदित करने वाली कविताएं उनका हम लाभ उठाएं। और मैं बिना विलंब के पहले धनपुर तिलक से उनके हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों से उनके स्वागत की अपेक्षा करता हूं। और इसके तुरंत बाद हम लोग राष्ट्रीय काव्यधारा का आनंद लेंगे। इसके पश्चात हमारा कार्यक्रम, हमारे जितने भी कवि यहाँ हैं उन सबकी कविताओं को हम सुनेंगे और लाभान्वित होते रहेंगे। हम लोग सब यही बने रहेंगे और प्रोफेसर शंभू सिंह मनहर जी की कविता पाठ के बाद मैं इनको प्रस्थान के लिए जैसे छोड़ के आऊँगा, आप लोग अपने यहाँ कार्यक्रम अनवरत चलाते रहें। और मैं एक बार पुनः सरल जी की पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाहूँगा। यह सच है याद शहीदों की, यह सच है याद शहीदों की, हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होगा जो हमसे नहीं सहा जाता। यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी, जीवन की स्वप्निल निधियां भी उन्होंने जीवन में पाई थी। पर माँ के आंसू लग उनने वादे न किए लंबे जुड़े, माँ के अर्चन हित भूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। प्रोफेसर शंभू कुमार सिंह। इस विद्यालय के प्राचार्य और मेरे आदरणीय मित्र श्री सोनी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे तीनों बंधुगण, थोड़ा पास सामने बैठे हुए मेरे बहुत पुराने मित्र मनमोहन जी, हमारे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के राजगढ़ व्याघ्र के जिलाध्यक्ष भाई कमल गांधी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रकांत जी और सभी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की यहाँ की कार्यकारिणी के बंधुगण, अन्य जो हमारे बंधु इस समय क्योंकि यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है, ये केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर आप सब आगंतुक महानुभावों का, कवियों का, कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूँ और प्यारे बच्चों को भी इस अवसर पर उनका धन्यवाद बोलता हूँ कि वे इस अवसर पर यह उपस्थित हैं। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत कर दूँगा और क्योंकि जैसा अभी हृदय ने बताया कि मुझे एक बजे तक लगभग पहुँच जाना चाहिए गुना की वार्षिक परिसंघ की बैठक में, उसके बाद में 3:30 बजे तक पहुँचना होगा चंदेरी और फिर दिन शाम को 7:30 बजे तक जाना है दतिया। इस प्रकार से आदरणीय सोनी जी को भी लगेगा कि अगले के लिए खर्चा किया तो फल तो नहीं मिला। स्वागत है आपका दतिया, स्वागत शुरू करते हैं। मनुष्य तो छोड़िए ये तेज धड़कन से पावन है, मनुज तो छोड़िए ये देव धड़कन से पावन है, करे क्या वंदना इसकी ये बंधन से पावन है, लगा ले हम इसे माथे निगाहों में इसे भर ले, लगा ले हम इसे माथे निगाहों में इसे भर ले, हमारे देश की मिट्टी के चंदन से दीपावन है, हमारे देश की मिट्टी के चंदन से दीपावन है, मनुज तो छोड़िए ये देव धड़कन से दीपावन है। सार्वजनिक प्रथम मेरा देश मेरी दृष्टि में
कितना सुंदर है, कैसा है। और सचमुच जब मैं विदेशों में जाता हूँ और ये कविता जो चार पंक्तियां, तो सचमुच अरब सागर के ऊपर जब यान गुजर रहा था, निकल रहा था, उस समय ऊपर से देख करके बनी है। इसलिए मुझे जब भी कभी ये पंक्तियां बोलता हूँ, कुछ लोगों को देश थोड़ा कम सुंदर लगता है, उन तक पहुंचे इससे ही देखने पहली पंक्ति में कविता है जो कविता के विद्यार्थी बैठे उनके लिए कह रहा हूं। इसे ही देखने सूरज उगा नित देख डूबा है, इसे ही देखने सूरज उगा नित देख डूबा है, हजारों है अजूबे ये अजूबों का अजूबा है। समंदर सात लाख हो तुम, समंदर 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 सात लाख हो तुम, सितारों में भले खोजो, हमारे देश से बढ़कर न कोई देश दूजा है, हमारे देश से बढ़कर न कोई देश दूजा है। इसे ही देखने सूरज उगा नित देख डूबा है। मैं चार पंक्तियां, क्योंकि मैं जिस समाज में क्या जो करगिल युद्ध हुआ था, उसमें मेरा एक विद्यार्थी भी बीए द्वितीय वर्ष में वो था, वो चला गया था सेना में, वो शहीद हुआ राजेंद्र यादव, उसकी याद में कुछ पंक्तियाँ मैं जरूर बोला करता हूँ। चाहे वो लाल किले पर दो बार गया हूँ, तो पहली बार जब वहाँ जाना हुआ तब लाल किले पर भी उसकी स्मृति में पंक्तियाँ पढ़ी, मैं पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। जब सैनिक को लगता है कि मेरा ये अगला कदम मैंने बढ़ाया और ये मेरे आखिरी कदम, मैं संसार में अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए मैं ये अंतिम क्षण, तब पूरी कायनात पूरी प्रकृति क्या बोलती है, उपरी दुख सुने। हवा कहती है वंदे मातरम मिट्टी महकती है, हवा कहती है वंदे मातरम मिट्टी महकती है, तिरंगे में हुआ कंपन सम मिट्टी महकती है, हवा कहती है वंदे मातरम मिट्टी महकती है, तिरंगे में हुआ कंपन सम मिट्टी महकती है, बढ़ा जब देश का सैनिक वतन पर जा फिदा करने, बढ़ा 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 जब देश का सैनिक वतन पर जहां विदा करने, जहां पर भी रखे उसने कदम मिट्टी महकती है, जहां पर भी रखे उसने कदम मिट्टी महकती है, हवा कहती है वंदे मातरम मिट्टी महकती है। तो चार पंक्तियां और बताया उसी सैनिक के लिए ही बोल दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, जब सेना में जो लंबी लंबी पंक्तियां लगती है बच्चों की, किलोमीटर कई किलोमीटर तक सेना में भर्ती होने के लिए वो लग जाते, तो पहले तो कई मन में भाव होता कि रोजगार मिलेगा, मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए थोड़ा मैं धन की व्यवस्था कर लूंगा, पर एक बार जब वो सेना में चला जाता है, जब वो मशीन गन उसके हाथ में होती है, जब दायित्व उसके हाथ में होता है देश की रक्षा का, तब वो देखता है कि पूरी देशवासियों की दृष्टि में उसके प्रति क्या भाव, क्या सम्मान है, क्या श्रद्धा है, तब वो क्या सोचता है। चार पंक्तियां मैं बहुत दर्द के साथ लिखी हुई पंक्तियां, रहे शिकवा गिला कुछ भी नहीं मैं निष्कपट लौटूं, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष हम आजादी के मना चुके, अब भी अगर ये भाव हम अपनी नई पीढ़ी में नहीं डाल पाएंगे शायद देर हो जाए। पंक्तियां पढ़ता हूं, रहे शिकवा गिला कुछ भी नहीं मैं निष्कपट लौटूं, करूं दायित्व पूरा मुस्कुराकर और झट लौटूं, तिरंगे को रखूं ऊंचा कि जब तक प्राण है बाकी, समझना
राष्ट्रपति को तिरंगे 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 को रखूं ऊंचा कि जब तक प्राण है बाकी, अगर लौटूं कभी घर तो तिरंगे में लिपट लौटूंगा, अगर लौटूं कभी घर तो तिरंगे मैं लिपट लौटूं, रहे शिकवा गिला कुछ भी नहीं मैं निष्कपट लौटूं। बहुत धन्यवाद आपको, आप कुछ तक मेरे मन के मुख तक जो कहीं जाता हूँ तो कम से कम इनमें से एक तो जरूर सुनाता हूँ। एक गीत सुना करके अपनी वाणी को विराम दूं। अभी जो हमारी गलवान घाटी है उससे 72,000 सैनिक हमारे अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि दुश्मन लोग पाकिस्तान को हमारा दुश्मन मानते हैं, वो नादान है। हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, बल्कि गलवान घाटी में हमसे जो लड़ रहा है वो हमारा दुश्मन। ये तो सब ठीक नहीं है, ये तो उसके सभी जिसको बोलते हैं ना कि वो छल रहे हैं पाकिस्तान नेपाल ये वो ये सब छल रहे लोग। इसलिए 72,000 जो सैनिक वहाँ पर है उनके लिए जब मेरे मन में भाव जगा और मुझे बहुत खुशी है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की जो मुझे वहाँ से जो हमारे मित्रों से सूचना प्राप्त हुई कि 72,000 सैनिकों में से अधिकांश सैनिकों के मोबाइल में यह जो मेरा वायरल गीत हुआ उनके मोबाइल में यह रिंगटोन की तरह बजता है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं आपके देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान, देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान। देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान, करगिल के माथे पर चंदन, करगिल के माथे पर चंदन मुस्कुराता गलवान, देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान। देखिएगा कि पत्थर जहां कैसे हमारे सैनिक है, पत्थर जहां अड़ाने होते प्राण अड़ा देते हैं ये बेटे, प्राण अड़ा देते हैं। पत्थर जार पत्थर जार पत्थर जार, पत्थर जहाँ अड़ाने वो भी प्राण अड़ा देते हैं ये बेटे, प्राण अड़ा देते हैं। भारत माँ के शीश विजय का, भारत माँ के शीश विजय का मुकुट चढ़ा देते हैं। तिरंगा एक तिरंगा एक तिरंगा एक तिरंगा भाता इनको, एक तिरंगा भाता इनको उसमें इनके प्राण, गुंजा करता दिशा दिशा में वंदे मातरम गान हमारा, एक बड़ा बलवान हमारा। एक हाथ हम अपनी पर आ जाए तो हरा क्यों कब जाए भैया, हरा क्यों कब जाए, हम अपनी पर आ जाए तो हम अपनी पर आ जाए तो हरा क्यों कब जाए भैया, हरा क्यों कब जाए। लाहौर ये लाहौर ये लाहौर ये लाहौर कराची क्या है, पीकिंग शीश झुकाए पीकिंग शीश झुकाए, कण में भगवान यहाँ के कण में भगवान, कण में अरे कण में अरे कण में भगवान यहाँ के कण में भगवान यहाँ के कण में भगवान, युद्ध भूमि में युद्ध भूमि में माताओं के लड़ने के बलिदान हमारा, बड़ा बलिदान हमारा, देश बड़ा बलिदान। अंतिम हम लोग ताली बजा दीजिएगा, अंतिम बार विवेकानंद को समझिए। वसुधा परिवार हमारा, वसुधा अरे ये वसुधा परिवार हमारा, खुशियों से भर देंगे इसे हम,
पक्षियों से भर के हे वसुधा परि हे वसुधा परिवार हमारा पक्षियों से भर देंगे हम पक्षियों से भर देंगे पूरी नजर जो खाली इस पर पूरी नजर अरे पूरी नजर अरे पूरी नजर जो खाली इस पर जमीन दोष कर देंगे दुनिया के शैतान सुनो रे दुनिया के शैतान दुनिया के अरे दुनिया के अरे दुनिया के शैतान सुनो रे दुनिया के शैतान कान पकड़ कर बोलो के तुम जय जय हिंदुस्तान हमारा बड़ा बलवान हमारा देश बड़ा बलवान बड़ा बलवान हमारा देश बड़ा बलवान करगिल के माथे पर चंदन करगिल के अरे करगिल के अरे करगिल के माथे पर चंदन मुस्काता गलवान सोनी जी आप दोनों हमारे जो यहाँ की मैनेजमेंट के बंधु है वो दोनों सत्य भाई साहब आप सब सामने बैठे खास का सबसे डांस देते मेरे जन्म जन्मांतर के दुश्मन यहाँ बैठे हुए हैं सबको बारंबार अभिवादन करता हूँ वंदन करता हूँ इतना बढ़िया होकर डूब के लगन अगली बार फिर आऊंगा बहुत बहुत वंदन करता हूँ लेकिन सत्य जी बोला तो जब मैं बाहर गया तो हिथ्रो पर उतरा कई बार लंदन जब आता रहा बाद में पांच छह बार गया तो एक इंडियन के साथ में इंडिया से साथ में भारत से साथ में गया था तो पूरी यात्रा वो अंग्रेज बैठा रहा लेकिन जैसे मैं हिथ्रो से आगे बढ़ा उसे समझ में आ गया तो अपन लोग तो थोबड़े से समझ में आते कहाँ के हैं और कैसे हैं छोटी छोटी अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं जिनको सुन करके वो लोग हंसते हैं तो इंडियन आप भारतीय हैं हाँ आप कैसे बता सकते हैं कि आपका देश दूसरे देश से अलग केवल ये सवाल वो हिथ्रो से लेकर के सेंट्रल लंदन तक जो मैं उसमें 40 मिनट की यात्रा मैंने की वहाँ की जो सर्विसेज थी रेलवे सर्विसेज उस दौरान ये पंक्ति सवाल पूछता रहा वहाँ जाकर के वातावरण के कार्यक्रम में जो मैंने चार पंक्ति पढ़ी तो मुझे सर्वाधिक स्नेह शायद इससे मिला कि दिल से निकली हुई पंक्ति थी हम कैसे अलग हैं सवाल कोई भी करेगा कैसे आप अलग हैं पंकज कि कभी सवाल के साथ मैंने सवाल एक तरीके से किया कभी बंसी बजा कर देखना सब जान जाओगे कभी बजा कर देखना सब जान जाओगे तिलक माथे लगा कर देखना सब जान जाओगे बड़ा सीधा सरल है देश मेरा जानना है तो बड़ा 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 इससे बड़ी पहचान बनती बड़ा 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 सीधा सरल है देश मेरा जानना है तो कभी गंगा नहा कर देखना मुझे पवित्र कर दिया ये पंक्तियां बना करके बहुत बहुत आभार बार-बार वंदन करता हूं आगे के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं सारी राष्ट्रीय से अनुरोध करता हूं और कार्यक्रम के संचालन के लिए खरे जी से अनुरोध करता हूं आप अनुवादन जारी रखें मैं सबको विदाई देकर आता हूं साधे दार्शनिक के वाले मेरे उस्ताद थे तो मैं आप सब लोगों की तरफ से अपनी जबान खोलूंगा आप सब लोगों की सुनने की चाहता जयपुर महाराज के गुरु थे उनका एक बहुत सरस्वती के लिए और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हम सीखें तब हम उस दोहा का परिपालन कर पाएंगे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात क्या बात है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात क्या
सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्ण बात, जो खर्चे क्यों क्यों बड़े हैं, खर्चे घट जाए माला माला बेटा शहीद कारगिल और माला है शहीद कारगिल शहीद कारगिल बहुत बढ़िया सर शहीद कारगिल शहीद कारगिल सर खुदा को झुकता है प्यारा है हिंद हमको अपना दिल से यहाँ से बिल्कुल को कुछ सीखना पर हेलो माँ डरे वतन पर दे देता दर्श हमको आता है भागवत से इंजील से कुरान से और क्या ना है हिंद हमको बड़का बहुत बढ़िया गुरु जी बढ़िया है सर माँ बोर्ड लाग में शिशु के आपके बालक मेडिकल के पास